अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज जो है मैं आपको बता रही हूँ फर्नीचर कैसे हम मैं साफ़ करती हूँ, अपनी फर्नीचर को कैसे क्लीन और साफ़ रखती हूँ। और मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ। और ये मैंने ले लिया था इम्तियाज़ से, फर्नीचर पॉलिश के नाम से ये मिलते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पे ब्रांड्स के अलग अलग पड़े हुए होते हैं, मैं कभी कोई ले लेती हूँ, कभी कोई ले लेती हूँ। तो आप लोग भी कोई ले लें अच्छा सा, और इसको मैं आप लोगों के सामने आज अपना फर्नीचर जो है ना वो पॉलिश करूँगी, साफ़ करूँगी, जो भी आप समझ लें। इससे जो है हम लोग अपने किचन के ड्रॉर्स जो होते हैं वो भी साफ़ कर सकते हैं, जो ऊपर ऊपर से ब्राउन कलर के होते हैं उसको हम साफ़ कर सकते हैं। स्प्रे मारा और जिस कपड़ा मारा और इतने अच्छे शाइन करेंगे ये सारे। और अपने अपने दरवाज़े जो हैं, डोर्स हैं, जितना भी लकड़ी का स्टफ़ जो हमारे पास है ना, तो हम उसको जो है आराम से इससे क्लीन कर सकते हैं। इससे जो है वो शाइन आती है और बहुत अच्छी लुक आ जाती है। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे जी एक और साफ़ सुथरा सा जो है ओल्ड टावल ले लेंगे हम, और इससे जो हम साफ़ करेंगे। और करने से पहले जो है हम इसे अच्छे से शेक कर लेंगे, हिला लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसको अच्छे से हिला लें। और ये है जी ऑरेंज फ्लेवर का, तो पूरे रूम में जो ऑरेंज ऑरेंज सी ना फ्लेवर सी आएगा, इतना अच्छी खुशबू सी आएगी, तो ये अच्छा लगेगा। जस्ट आपने स्प्रे मारना है और फिर इसको जो है अच्छे से क्लीन करना है। इसी तरह से हम जो है वो अपनी अलमारी को भी साफ कर लेंगे। और बच्चों से दूर रहें, बच्चों को रूम में ना आने दें थोड़ी देर। और शिफ्टिंग में मेरे फर्नीचर का थोड़ा हाल हुआ है, क्योंकि शिफ्टिंग में जो है वो फर्नीचर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। अब ये मैंने ही एक हाथ से काम करना है, एक हाथ से वीडियो बनानी है, तो थोड़ा मैं हिल रहा है हाथ। जस्ट जो है ये बताने का मकसद ये है कि हाँ, आप हर चीज़ को क्लीन किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ जहाँ से मैं मारती जा रही हूँ वहाँ वहाँ से शाइन आती जा रही है, और बहुत ज़बरदस्त ये शाइनिंग आती है। तो मैं दरवाज़े जो है वो मेरे इस दफ़ा यहाँ पे पेंट वाले दरवाज़े हैं मेरे, तो लेकिन जो है किचन में आप हाँ अपने कर लें। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है। और इसको आप आराम से सारे फर्नीचर को मारें और इतना ज़बरदस्त। आप इसको मंथली कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जो मुनासिब लगे आपको। अभी जस्ट मैंने ऊपर मारा है, नीचे नहीं मारा। नीचे का देखें और नहीं ऊपर का देखें डिफरेंस। ये सारे जो है शिफ्टिंग में मेरे फर्नीचर के जो है वो हाल हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इस साइड टेबल को करती हूँ साफ़, उसको आप देखें कि ये इसका जो है बिफोर है, फिर आफ्टर दिखाऊंगी। देख सकते हैं जी सफाई कितनी ज़बरदस्त साफ होता है ये।
और ये देखें जी, इतना ज़बरदस्त इस पे शाइन आई है मोबाइल को। ये देख सकते हैं जी, मेरा ब्लैक फर्नीचर है तो इस पे दूर से ही मट्टी शाइन करती हुई नज़र आती है, और आप देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर किया करूँगी। और ये जो है ना, मैं अपना फर्नीचर इस तरह से साफ़ करती हूँ, ये देख सकते हैं कि आप ऊपर का शाइन कर रहा है किस तरह से, और नीचे अभी मैंने नहीं मारा, नीचे नहीं मारा, ऊपर मारा है और इसको किया है साफ़, और इसको अच्छा सा नीट एंड क्लीन जो है वो हो जाता है, और इतनी अच्छी शाइनी लुक भी देता है। आप इसको मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और इसके साथ मेरी वीडियो को जी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें जी। अल्लाह हाफिज़।